लेक्चर 15 क्लास 10th लेक्चर नंबर 14 में आपने तंदुरुस्ती हज़ार नेमत का हाफ ऐसे किया था। अब लेक्चर 15 में आप लोग नेक्स्ट हाफ ऐसे करेंगे। ये शुरू हो रहा है तंगदस्ती अगर ना हो वालिद तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यहाँ से शुरू करके और एंड तक हमने माना जहाँ बहुत है हंसी तंदुरुस्ती नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। और साथ हमने नाद की रीडिंग स्टार्ट की थी, रीडिंग हो चुकी है, आज हम उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नाद की एक्सरसाइज में इसका सवाल नंबर 1 है, 10 दिल सवाल आपके मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। ये सवाल आपके जवाब आप लोगों को दिए जा चुके हैं, आपके सामने मौजूद हैं। नाद के पहले शेर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफात बयान की गई हैं? जवाब है इसका, नात के पहले शेर में बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मददगार, अमानतदार और गमगुसार हैं। सवाल नंबर 2, दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? दूसरे शेर के मुताबिक गुरबा और यतामा को सुकून मिला है। सवाल नंबर 3, इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? इरफान का मतलब होता है पहचान, शनाख्त। असल में इरफान अल्लाह ताला की पहचान को कहते हैं। इंसान को इंसान का इरफान होने का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान की पहचान, एक इंसान को दूसरे इंसान की पहचान और कदर होगी, इसे इंसानियत का पता चलेगा और वो अपने फ़राइज से आगाह होगा। इसमें को ऐड कर लीजिएगा, ये कंपोजिंग में मिस्टेक है। एक इंसान को दूसरे इंसान की पहचान होगी, इसमें को ऐड होगा। सवाल नंबर 4, शायर के नज़दीक हजूर सल्लम का पैगाम क्या है? शायर के नज़दीक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसूल मोहब्बत है, यानी किसी को दुख या तकलीफ़ ना दो बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहो। सवाल नंबर 5, नात के आखिरी शेर में खिजर से कौन सी हस्ती मुराद है? नात के आखिरी शेर में खिजर से मुराद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। जिस तरह हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम भटके हुओं की रहनुमाई फरमाते थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ने भटकी हुई इंसानियत की रहनुमाई फरमाई। क्वेश्चन आंसर्स के बाद इसका अगला सवाल है कि नज़्म का खुलासा, सवाल नंबर 2, तो खुलासा हम नज़्म का नहीं करते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 पे आते हैं, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। हाँ जी, इसमें सबसे पहला है, ये नात किस शायर का हदिया अकीदत है? आंसर है इसका नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, एहसान दानिश। नात जो है ये किस शायर का हदिया है? एहसान दानिश। नंबर 2 है, मतन के मुताबिक महबूबे परवरदिगार का पैगाम क्या है? करेक्ट आंसर है उसूले मोहब्बत। सॉरी, 4 इसमें दिए हुए हैं, उसूले मोहब्बत, गमगुसारी और गरीब नवाजी, अमानतदारी या चौथा ऑप्शन है, ये सब हैं। मतन के मुताबिक महबूबे परवरदिगार का पैगाम क्या है? आई थिंक इसमें उसूले मोहब्बत ही आना चाहिए, यहाँ पे रॉन्ग लगा हुआ आंसर। इसका नंबर 1 होगा, इसका आंसर उसूले मोहब्बत, ये सब नहीं होगा, उसूले मोहब्बत होगा। जीम है, अब इंसान को किसका इरफान हासिल होगा? इंसान का। शेर के मुताबिक जैसे शेर कंप्लीट हो रहा है, हमने उस शेर को देख के आंसर देना है। जैसे यहाँ शेर में था कि उसूले मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूबे परवरदिगार आ गया, तो पैगाम के साथ जो वर्ड आया, वैसे तो सारी ऑप्शन दुरुस्त लग रहे हैं, अमानतदारी भी आपसे सलम का पैगाम था, गमगुसारी भी था, गरीब नवाजी भी था, लेकिन शेर के अकॉर्डिंग हम उसूले मोहब्बत को ही करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। और इसी तरह से इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इंसान का। ज़माने को मंजिल के मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? एक खिजर सदे राह गुजार की आमद की वजह से, नंबर 2 वाला ऑप्शन दुरुस्त है। पैगम्बरे ज़ीवकार के चिरागे मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? कभी नहीं बुझेगा, बुझेगा ना जिसका चिरागे मोहब्बत। अगर हम शेर को देखें, बुझेगा ना जिसका चिरागे मोहब्बत, देखने में सारे सही लग रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखें, 10 ज़ेर अल्फाज पर एराब लगाएं। एराब आपको लगे हुए यहाँ नज़र आ रहे होंगे। पहला वर्ड है आलम, आलम में आइन पे ज़बर है, लाम पे ज़बर और मीम साकिन, सुकून सीन और काफ के ऊपर पेश है और नून साकिन, इरफान आइन के नीचे ज़ेर है, रे पे जज़्म, फे पे ज़बर और नून साकिन,
महब्बत और तलज़, महब्बत मीम हे और बे तीनों के ऊपर ज़बर है और बे के ऊपर तशदीद है यानी शद लगी हुई और ते साकिन है महब्बत। मंजिल मीम पे ज़बर नून साकिन, ज़े पे ज़े के नीचे ज़ेर और लाम साकिन, मंजिल मुबारक। इसके बाद अगला सवाल जुमलों का है। जुमले चूँकि हम नहीं करते हैं टेंथ क्लास में, नाइन्थ में, टेंथ में जुमलों का इस्तेमाल नहीं होता, इसको क्रॉस कर दें, आगे चलें। दर्ज अल्फाज के मानी लिखें, मानी आपने उसमें कर लिए हुए हैं, रीडिंग में कर लिए हुए हैं, और वैसे मानी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है हमारा, सिर्फ तशरीह होती है इसमें से या ऑब्जेक्टिव होता है एक्सरसाइज का या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अगला सवाल देखें, मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। इसको ख़ास तौर पे कीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बना के दे देते हैं। बुझेगा ना जिसका डैश मोहब्बत, चरागे डैश हो गया, करार आ गया है सुकून, अब इंसान को इंसान का डैश होगा इरफान, इरफान या इरफान डैश को अब अपनी मंजिल मुबारक जमाने। क्वेश्चन नंबर एट में आप लोगों को कॉलम नज़र आ रहा होगा, नात के मतन को मद्देनज़र रखकर कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल अल्फाज से मिलाएं। इमदादगार को हम मिलाया है खमगुसार से, उसूल मोहब्बत पैगाम यकीन को एतबार से, खिजर रहगुजार से, और इंसान को इरफान से। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये आपका लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 की तरफ चलते हैं।